भोपाल में पदस्थ एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर राजेश हेनरी के बेटे अर्थन हेनरी ने यूएई में भोपाल का परचम लहराया है। 1 से 5 अगस्त के बीच यूएई के आजमान में आयोजित हुए ग्लेमैन मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में आर्थर ने इंडिया के 46 प्रतियोगियों को पछाड़कर ग्लेमैन मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता जीतने के बाद भोपाल पहुंचे आर्थर का शहर में भव्य स्वागत किया गया। आर्थर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर बताया कि इस खिताब को जीतने के पीछे उनकी माँ और पिताजी का हाथ है। उन्होंने ही लगातार उन्हें मोटिवेट किया, जिसके दम पर आज वे खिताब को अपने नाम कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्लैमर की इस दुनिया में उनका नाता शुरू से नहीं रहा। वे मुंबई में फाइनेंस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मम्मी का इस दुनिया के होने के चलते उन्हें भी प्रेरणा मिली और अब वे आगे मॉडलिंग, एक्टिव तथा टीवी और म्यूजिक वीडियो पर काम करना चाहते हैं। ऑडिशंस के भी काफी पहले से मुझे सब ने बोला ही था कि तुम्हें इसमें पार्ट लेना है। मेरा ऑनेस्टली इतना मन नहीं था, बट मम्मी ने मुझे बोला, सो मैंने ट्राई किया। ऑडिशन के बाद से हमारी क्लासेस चालू हो गई थी, हमारे मेंटर्स थे और ग्रूमिंग धीरे धीरे चली रही थी। फाइनल इवेंट टफ तो काफ़ी था, बट उसमें मज़े भी बहुत आए और काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे सारे, हम सब काफ़ी क्लोज हो गए थे। पांचों दिन हमारे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं था, सुबह से लेकर रात तक या तो क्लासेस या रैम वॉक या कोई कंपटीशन चलता ही रहता था, बट कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कहाँ फंस गए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जितने भी लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि सबको ट्राई तो करना चाहिए। इस इवेंट में 46 कंटेस्टेंट्स थे।